अस्सलाम वालेकुम जनाब, ये वीडियो जॉब वालों के लिए, वैसे तो अगर आप मेरा पूरा चैनल देखेंगे तो ज़्यादातर चीज़ें पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से हैं या बिज़नेस के हवाले से हैं। ये वाहिद वीडियो आपको शायद नज़र आए जो जॉब वालों के लिए। अच्छा, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जो है ना वो रिस्क नहीं ले सकते, वो चाहते हैं बस हमें 9 to 5 जॉब में ही रहना है, लेकिन उसमें भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे, तो भाई उसमें तो प्रोग्रेस कर लें कम अज़ कम। तो मैं दो लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। नंबर वन, जो 9 to 5 जॉब ही करना चाहते हैं और उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो वो कैसे प्रोग्रेस हासिल कर सकते हैं। नंबर सेकंड, जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं उससे छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं, तो उसका भी एक रूल ये है ना कि उसमें प्रोग्रेस करके ज़्यादा अर्निंग करें, वहाँ से अर्निंग को सेव करके फिर आएँ बिज़नेस की तरफ। तो इन दोनों लोगों के लिए जो है ना ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जनाब, एक डॉक्टर और नर्स में, एक आम टीचर और एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर में, एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक आम से डॉक्टर में, या आम से लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने वाले में क्या फ़र्क होता है, ज़रा देखते हैं। नंबर वन, डिग्री। अगर जॉब है तो फिर डिग्री तो मांगते हैं। आप कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो डिग्री रियली मैटर्स। तो अगर आपने अपनी एजुकेशन को आधा कहीं छोड़ा हुआ है तो प्लीज़ 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 उसे कम्प्लीट कीजिए, ठीक है ना। एटलीस्ट मास्टर्स लेवल तक तो आप आएँ, तो आप देखेंगे एक अच्छा इंक्रीमेंट आपको वहीं मिल जाएगा। नंबर सेकेंड, योर स्किल्स और नॉलेज, तो ये आपकी डिग्री से हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, वरना तो आप फंस जाएंगे। अगर डिग्री बड़ी है, डिग्री MBA है और आपको बिज़नेस के बारे में ज़्यादा नहीं पता, नॉलेज नहीं है बिज़नेस के, या जो जॉब आप करना चाह रहे हैं उसकी नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए बैकफायर हो जाएगी ये चीज़। तो योर नॉलेज और स्किल सेट शुड बी अबव योर डिग्री। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं 1980s में 1990s में उन्होंने MBA किया है, 10 साल पहले 5 साल पहले MBA किया या ग्रेजुएशन किया या मास्टर्स किया और फिर रुक गए। तो भाई वो 5 साल पहले की बुक्स और 10 साल पहले की बुक्स आज बहुत मैटर नहीं करती। तो आपको ब्रश अप करना होगा अपनी स्किल्स को, मुसलसल नई नई चीज़ों को सीखते रहना होगा ताकि आप आगे जाएं। जनाब, फिर स्किल की भी बात हो गई, नॉलेज की भी बात हो गई, अब आपका जो है ना चीज़ काउंट करती है। अच्छा, स्किल को और नॉलेज को डेवलप कैसे, नॉलेज को स्किल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके लिए एक चीज़ है ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाएं और किसी जगह पर ट्रेनिंग स्कूल में चले जाएं और ट्रेनिंग हासिल करें। ट्रेनिंग मीन्स के यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ इन द ग्राउंड, ठीक है ना। विच मीन्स कि मुझे अगर पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स मुझे टिप्स तो दे सकता है, वहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करवा सकता है, लेकिन मेरी पब्लिक स्पीकिंग इम्प्रूव होगी जब मैं उसकी प्रैक्टिस करूँगा और मैं उसकी रोज़ाना की बेसिस पर जाके प्रैक्टिस करूँगा और वो चीज़ें जो मैं थ्योरी में सीख रहा हूँ उन्हें इम्प्लीमेंट करूँगा, तो वो मेरे पुरानी गलतियों वाला जो माइंड सेट है, जो चीज़ें फिक्स हुई हुई हैं, जो रिपीटेड मिस्टेक हैं, वो रिपीटेटिव मिस्टेक्स हटेंगी और नई चीज़ उसकी जगह लेगी। लेकिन इस प्रोसेस से गुजरने के लिए मुझे रोज़ाना उस ट्रेनिंग में जाना होगा, यानी खुद प्रैक्टिस करना होगा उस ट्रेनिंग में सीखे गए टूल्स को। लोग समझते हैं 2 दिन की ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग किसी भी टॉपिक पे एंड दे विल बिकम मास्टर। ऐसा नहीं हुआ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत यू कैन से पैसे इन्वेस्ट किए, टाइम इन्वेस्ट किए और जा के ट्रेनिंग्स हासिल की, लेकिन मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा था। फिर मुझे एक दिन ये बात समझ आई कि सचिन तेंदुलकर रोज़ाना ग्राउंड में खेल के सचिन तेंदुलकर बनाए, या कोई भी स्पोर्ट्समैन रोज़ाना ग्राउंड में जाके प्रैक्टिस करके ग्राउंड स्पोर्ट्समैन बना, वो सिर्फ लेक्चर अटेंड करके या 2-3 दिन की कहीं ट्रेनिंग लेके नहीं बना। तो जैसे सचिन के बारे में आता है ना, जावेद चौधरी साहब ने अपने चैनल पे एक वीडियो में कहा कि रोज़ाना 500 बॉल की वो प्रैक्टिस करता था, चाहे वर्ल्ड कप जीता हो उसके अगले दिन, चाहे शादी हुई हो उसके अगले दिन, और 24 साल के कैरियर में रोज़ाना 500 बॉलों की प्रैक्टिस करता था, फिर मोबाइल ऑन करता था। तो दैट ट्रेनिंग यू नीड, जो भी फील्ड है आप जनाब। तो अब क्या होगा, नॉलेज आ गई, डिग्री आ गई, स्किल आ गई, ट्रेनिंग आ गई, अब ऑटोमेटिकली आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा। एक्सपीरियंस ईयर्स में भी होगा और एक्सपीरियंस आपके अटेम्प्ट्स में भी होगा। देन योर इंटेलेक्चुअल स्किल, वो ऑटोमेटिकली जब इतना एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ों का एक्सपोजर हो जाता है, तो इंटेलेक्चुअल स्किल इस लेवल पर आ जाती है कि फिर आप अंदाज़, यानी आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ काम करने लगेगी। मैं अगेन यही कहूँगा कि उसको भी टेस्ट ज़रूर करें, लेकिन एक लेवल आएगा जैसे कि एक डॉक्टर को पता होता है कि किस वक्त क्या ट्रीटमेंट देना है, भले वो ट्रीटमेंट खुद ना करें, भले वो नर्स इंजेक्शन लगाए, लेकिन डॉक्टर डिसाइड करता है। एंड द लास्ट थिंग इज़, जॉब में अगर आगे जाना है तो यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कोई भी कंपनी आपको जितने लेवल जो प्रमोट जिस लेवल पे प्रमोट करती चली जाएगी, उस लेवल पे आपका लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ता चला जाएगा। देन फिर आपको दो चीज़ें मिल जाएंगी आराम से, दैट इज़ यू विल गेट गुड पे एंड रिस्पेक्ट। लेकिन अगेन, ये वीडियो दो लोगों के लिए बनाई गई हैं जो या तो जॉब से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं लेकिन फंसे हुए, तो मैं कहता हूँ उसी में इम्प्रूव करके वहाँ थोड़ी ज़्यादा अर्निंग करके अपना बैकअप बनाए। सेकेंड, वो लोग जो खुश हैं जॉब में, या उनकी जॉब या उनका उनका कैरियर का नेचर ऐसा है कि वो इंडिविजुअल नहीं कर सकते वो काम, जैसे एक पायलट
अब एक पायलट इंडिविजुअल नहीं बन सकता ना, आर्मी में है कोई पर्सन में, बहुत सारी जगहों पे यू हैव टू बी विद ऑर्गेनाइजेशन और यू हैव टू डू अ 9 to 5 जॉब. तो अगर लोग उसमें हैं तो ये चीज़ें आप सामने रख सकते हैं. थैंक्स अ लॉट, उम्मीद है बहुत फ़ायदा हुआ होगा. अगर आप जॉब में रहते हुए भी अपनी पैसिव इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं साइड में पार्ट टाइम, तो ज़रूर चैनल्स को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज का भी हिस्सा बने. थैंक्स अ लॉट.